गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गया हूँ। हमारा टॉपिक है आज का, जो लास्ट डे पढ़े थे उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लास्ट डे हम लोग क्या किए थे कि एसी को रेसिस्टेंस में और फिर रेसिस्टर में और एसी को फिर इंडक्टर में हम लोग फ्लो कराए थे, अकेले अकेले लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि एसी को हम लोग फ्लो कराएंगे कैपेसिटर में, ठीक है। तो हमारे पास आता है एसी थ्रू ए कैपेसिटर, हमारे पास आज का टॉपिक यही है। अब हम पहले थोड़ा जानें कि इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटर पर एसी और डीसी, मतलब डीसी और एसी का इफेक्ट क्या होता है। हम लोग चूंकि डीसी के बारे में पहले बहुत चीज पढ़ चुके हैं, तो हम पहले डीसी का देखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं कि डीसी को पास कराते हैं, ये कैपेसिटर है और यहाँ हम एक बैटरी लगाते हैं, सपोज करते हैं इस तरह का बैटरी लगाते हैं और यहाँ से हम इसको फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें ये पॉजिटिव है, तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और एक प्लेट जो होता है सो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये एक लिमिट तक होता है, तब तक जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता है। इस चार्ज का फ्लो कब तक होता है? चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज न हो जाए। जैसे ही ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है, ये चार्ज का फ्लो रुक जाता है, मतलब कि करेंट इसे फ्लो करना बंद हो जाता है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो डीसी का फ्लो जो है सो रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के फ्लो को रोकता है, आसानी से पासिंग नहीं देता है। कैपेसिटर does not pass this, capacitor does not pass give detail, capacitor does not provide path easily for DC, DC के लिए ये easily रास्ता नहीं देता है। अब आते हैं हम लोग इसमें एसी में। एसी में क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग एसी अप्लाई करते हैं, तो एसी क्या करता है कि इसमें एक बार करेंट इधर से फ्लो होता है किसी इंस्टेंटेनियस पर, कोई स्टेट पर, किसी भी स्टेट पे, और फिर ये करेंट का डायरेक्शन उलट जाता है, ठीक है। कभी ये इधर से पास करता है, कभी ये इधर से पास करने लगता है, ठीक है, उल्टा होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कैपेसिटर जो है सो एक बार चार्ज होता है, ठीक है, वैसे लिख रहे हैं सॉरी, एक बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, चार्ज अपोजिटली, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, क्योंकि इसमें करेंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, ये अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग तब जाते डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए बार बार इस तरह का होता है। और इससे क्या होता है कि ये जो करेंट है, मतलब एसी जो है वो कभी रुकता नहीं, वो कंटिन्यूअस इसमें चलते रहता है, वो कंटिन्यूअस चलते रहता है और इजिली चलते रहता है, स्मूथली चलते रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कैपेसिटर जो है वो एसी को पास देता है इजिली, easily pass देता है, AC passes easily through capacitor, DC does not passes easily through capacitor, समझ गए। AC और DC में जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी कैपेसिटर में, तो हमको ये बिहेवियर शो करता है। इसमें आप लोग को उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत नहीं होने का मतलब ध्यान रखिएगा, फॉर डीसी के लिए जब हम बात करेंगे तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जबकि जब हम एसी के लिए बात करेंगे तो कैपेसिटर लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका उल्टा इंडक्टर में होता है, ध्यान रखिएगा, इंडक्टर में इसका उल्टा होता है, वो हम लोग लास्ट क्लास में जिक्र कर चुके हैं, अगर दिक्कत हुआ तो अगले क्लास में पूछे बता देंगे, थोड़ा यहाँ समय की कमी है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग का इस तरह के बिहेवियर शो किया। अब हम देखते हैं कि किसी कैपेसिटर को जब हम एसी में जोड़ते हैं तो हमको क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, वैल्यूज पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा। देखिए अब हम वैल्यूज निकालेंगे,
वैल्यू निकालने के लिए क्या किए कि एक कैपेसिटर भी है उसमें एसी अप्लाई किए, ठीक है। अप्लाइड ईएमएफ क्या है, एसी है, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एसी कहना गलत है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करेंट, तो अगर कोई एसी करेंट यूज करते हैं तो वो गलत है, ठीक है, टेक्निकली वो फॉल्ट है। तो हम लोग क्या करें कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किए। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सीधा सीधी। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसे पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के बीच में क्या होगा। किसी भी इंस्टेंट पे हम काम करेंगे, जब भी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा, किसी भी इंस्टेंट पे काम करेंगे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे काम करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट वो इक्वल होगा इसका अप्लाइड ईएमएफ का। किसी भी समय ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो ईएमएफ अप्लाई करेंगे वही। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते पोटेंशियल डिफरेंस भी है, अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एरिया भी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हमको एक्चुअल में क्या है कि हमको निकालना क्या है, ई का और आई का, तो आई क्या निकला नहीं, तो आई निकालने के क्या करना है, जानते हैं v इक्वल टू q बाय c होता है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, cv हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर c और v के जब हम लिखते हैं e नॉट sin ओमेगा t, ये हमको q का वैल्यू आ गया। और जब q आ गया तो हम लोग आई आराम से निकाल सकते, क्योंकि i इक्वल टू फार्मूला में जानते हैं dq बाय dt होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dq बाय dt किसी भी इंस्टेंट पर काम कर रहे हैं, हम लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग कैंडल काम कर रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट पर काम करेंगे, I क्वेश्चन क्या हो जाएगा dq by dt। अब q का वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जब निकालते हैं I इक्वल टू, तो इसमें e c मतलब कैपेसिटेंस जो है चार्ज जो है यहां पर हम यूज कर रहे थे कैपेसिटर का, तो ये कैपेसिटर c को डिनोट कर रहा है, q चार्ज है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं c sin omega t के करेंगे तो omega cos omega t आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी लिख लिए। ये पूरा को हम लोग आई नॉट मान लेते हैं, पहले की तरह पहले भी हम लोग मान चुके हैं। और आपको वेव का क्लास 11 का वेव के बारे में बताया था, वहां पे हम लोग एम्पलीट्यूड यूज करते थे। इसका मतलब ये हमको एक इक्वेशन मिला, जिस इक्वेशन में ये जो वैल्यू होता है ये करेंट एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, करेंट एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लोग आई नॉट मान लिया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट, अब कॉस ओमेगा टी यहां से साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस थीटा। जब ये ओमेगा टी आता है तो इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दिए, ताकि हम फेस को दिखा सके। तो अब यहाँ पर हमको मिल गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये हमारा मेन, जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो उस समय क्या करेंट उसे फ्लो करेगा उसका ये वैल्यू है। अब ये आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी एप्सिलॉन ई नॉट हो गया, इस ई नॉट को ओमेगा सी को हम नीचे ले सकते, क्यों नीचे ले गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वी इक्वल टू आई आर, मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया वी बाय आर, वी क्या है अप्लाइड ईएमएफ और आर रेसिस्टेंस, तो ऊपर में अप्लाइड ईएमएफ तो मेरे पास ई नॉट है जो मैक्सिमम है, तो ई नॉट लिए ई नॉट बाय वन बाय ओमेगा सी करें, ताकि पलट की ऊपर जाए तो वही वैल्यू रह जाए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। तो ये किसके जगह पर आ रहा है, ये आर के जगह पर आ रहा है इसमें का, और इस ये इसको हम लोग कहते हैं ये रेसिस्टेंस है जो कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा एसी के लिए, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग कहते हैं, बल्कि वही कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही कहते हैं हम लोग, ये इसी से नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत हो, सिंपल डेरिवेशन है जो आप लोग को पूछता है, कभी कभी एग्जाम में आता है इस तरह का और आपको डिराइव करना पड़ता है इसको। तो आप लोग को हम R का, L का और C का तीनों को बता दिए, अब इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसका ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में, हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट किए थे, क्योंकि L से इंडक्टर होता है तो L से किए थे, और जो सिंपल जो रेसिस्टेंस था उसको हम लोग R से किए थे। तो यहाँ पर XC से इसको करेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस को X और C, इतना इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी यूज करते हैं, यही वाला आ गया। ओमेगा इक्वल टू में जानते हैं फॉर्मूला टू पाई न्यू होता है, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू पाई न्यू सी। अब यहाँ हम लोग को दिखता है कि टू पाई तो कांस्टेंट है, सी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो भी कांस्टेंट मिलता है, इसका मतलब एक्स सी जो होता है वो न्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ हम लोग इंडक्टर में पढ़े थे वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी पड़ता था इसका जो था रोकने कैपेसिटी जो होता था, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो करता हूँ, तो रोकने कैपेसिटी जो था इंडक्टर का वो बढ़ता था, तो इसलिए एसी को अपोज करता था, डीसी को बहुत ही अच्छा से पास देता था और एसी को अपोज करता था,
इसका उल्टा अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये AC जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जितना हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे कैपेसिटर उतना इजीली पासिंग देगा AC को। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसका काम हम लोग को आगे भी पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको रेसिस्टेंस का तो अलग बात है, वो तो सिंपल होता है, आप सीधा कॉन्सेप्ट जो इंडक्टर का होता है कैपेसिटर का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा इसका फेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फेज क्या हम लोग सो करते हैं, जब हम लोग फेज के बारे में बात करेंगे तो देखिए आई का जो है जहाँ ई हमको ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, मतलब जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो था वो ई इक्वल्स टू हमको मिला था ई नॉट साइन ओमेगा टी, वही हमको आई जो है मिल रहा I not sine ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां की इंडक्टर रेसिस्टर में हमने देखे थे तो ओमेगा टी दोनों मिला था, अगर इंडक्टर में देखेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मिला था, ग्राफ में नीचे से हम लोग स्टार्ट किए थे। वही जब कैपेसिटर का हम लोग बात करते हैं तो कैपेसिटर में हमको क्या मिला प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करेंट थ्रू कैपेसिटर होता है वो पाई बाई टू फेज में आगे चलता है। ठीक ना, याद रखिएगा पाई बाई टू का फेज में वो आगे चलेगा, और इसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो इस तरह का होगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ई है ईएमएफ है तो वो आपका ऐसे चलेगा। ठीक है, पाई बाई टू जो है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ी हो गया है, एक सेकेंड देखिए, ये आई का इस तरह का चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये आई नॉट होगा और ये आपका होगा मैक्सिमम ई नॉट होगा। ठीक है, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू यही होगा, इस तरह से ग्राफ चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा और आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका कैपेसिटर और मतलब एसी थ्रू कैपेसिटर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन, पहले दो दो का है, लेकिन आपका दो दो का देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट तीनों का देखेंगे। अगर मौका मिले तो हम दो दो का वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, तो दो दो का देख सकते हैं हम लोग, दो का कॉम्बिनेशन बन सकता है और हम लोग के पास सीधा तीनों का ही बन सकता है, तभी एक एक का देखें फिर दो दो का उसके बाद तीनों का देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और इसके पीछे का वीडियो भी बढ़िया से देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट तीनों का अच्छा हो सके, क्योंकि इन्हीं तीनों का हम यूज करेंगे बाकी सब में। आपको हम डायरेक्ट बोलेंगे वहां पर हम इतना डेरिवेशन नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको डायरेक्ट हम कंबाइन करके काम करेंगे, और वहां पर अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटा आपको देख लीजिए, इसको बढ़िया से समझिए, पीछे वाला भी आप रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि आप अगला क्लास को बढ़िया से समझ पाइए। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।